मैं ये सफर कर रहा हूँ बीमारी फिशला की बीमारी 1998 से, मे बी 1997 एंड और 1998 बिगनिंग। और उस टाइम मैंने ऑपरेशन कराया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन आफ्टर दैट 4 और 5 मंथ्स मे बी 6 मंथ्स आई हैव नो प्रॉब्लम अप टू 2011। 2011 ऑल्सो स्टार्टेड सेम प्रॉब्लम। देन उसके बाद मैं डॉक्टर का चेकअप कराने गया, उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी या इसके अंदर एक इम्प्लांट आया है, तो मैंने कहा जी इम्प्लांट लगा दो बेटर है, देर इज सम इम्प्लांट ऑल्सो देर ऑन द 28,000 कॉस्ट में उन्होंने बताई थी, कहता मैं कंफर्म करूंगा फिस्टुला प्लग बोलते हैं फिशुला प्लग। हाँ तो उसको। वो उन्होंने बोला, तो मैंने उसको मैंने कहा प्लग लगा दो क्योंकि ड्रेसिंग के लिए डेली आना पड़ेगा, उन्होंने बोला 1 मंथ के आसपास, तो उन्होंने कहा प्लग ठीक है। लगाने के बाद भी ड्रेसिंग के लिए बोला था डायरेक्ट। उन्होंने बोला प्लग के बाद कोई ड्रेसिंग नहीं है, उन्होंने जो बोला मेरे को। अच्छा तो उसके बाद हुआ नहीं, उसके बाद मैं 1 साल बिल्कुल ठीक हो गया। आफ्टर दैट फिर स्टार्टेड अगेन, फिर मेरे को एक पेन हुआ बहुत, मतलब बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया जिसकी वजह से मैं रुक नहीं पाया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दे डिड सर्जरी इन शाहदरा। उसके बाद वो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आई गोज हॉस्पिटल फॉर डॉक्टर, उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अभी हमने किया है लेकिन हम उसको इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल पाई जिसकी वजह से हम इसको स्टेपल नहीं कर पाए। उन्होंने जो मेरे को वर्ड बोला वो ये यूज किया उन्होंने कि इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल पाई, तो अब आप जो भी कुछ है तो उसके बाद 6 मंथ के बाद आप आइए फिर हम देखते हैं। नाउ लास्ट टाइम डॉक्टर आशीष से मैंने कराया, अभी मेरे को हुए हैं अराउंड 17 डेज, द रिजल्ट इज गुड। लास्ट टाइम मेरा जो पस था या पानी था वो बहुत ज्यादा था, जैसे इस समय 5% निकला तो उस समय मेरे कहा 300% होगा और ये निकलता ही रहा। उस टाइम उन्होंने मेरे ख्याल से होल भी काफी बड़ा करा था कि जिससे कि पस जल्दी निकल जाए, उन्होंने जो मेरे को बोला था, और निकला भी काफी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। हाँ अब तो पस नहीं आ कॉन्टिन्यूस, रहा। हाँ कॉन्टिन्यूस पास चल ही रहा था। पिछले पिछली सर्जरी कब हुई आपकी? पिछली सर्जरी मेरी हुई है 1 जून को, लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर 1 जून, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। 1 ईयर से कंटिन्यू पस है, कभी आ जाता है कभी रुक जाता है, कभी चलता रहता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, कभी ब्लड भी आ जाता है, कभी पेन भी क्लियर करता है, कभी पेन नहीं भी होता है। बहुत ठीक है। ऐसी बीमारी के बारे में आपने और भी रिसर्च करी थी कुछ, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी फाइनली? फाइनली कलेक्ट ये की कि ये बीमारी जो है क्योंकि कि आप मेडिकल प्रोफेशन से ही हो तो आपको मेडिकल काफी प्रोफेशन, नॉलेज है इसमें, क्योंकि आपने यूएसए का भी देखा, सब जगह आपने पढ़ा, हाँ तो वो क्या उसके अंदर क्या आपको लिटरेचर में क्या मिला फाइनली, जो 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 आपने कंक्लूड किया? कंक्लूड ये किया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेफ्ट है ना उसके रिजल्ट बेटर देन, मतलब प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी थी उससे बेटर है, जो मैं मतलब उसके अंदर मैंने नेट के अंदर सर्च किया। पर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि देर आर इन स्पाइट ऑफ वार्फ देर इज रिक्रेंस, हाँ बिल्कुल हाँ ऑलमोस्ट 30% के करीब रिक्रेंस रेट लिखा हुआ है उसके हाँ हाँ अंदर, कि रिकरेंस ज्यादा रेट लिखा है, हुआ है शायद। रिकरेंस रेट हाँ कुछ इस तरीके से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अलग अलग ओपिनियन थी। जी, हाँ पर उस कंफर्ट लेवल और सर्जरी का, ओपन सर्जरी और जो दूसरा रिस्क होता है इसका, स्फिंक्टर जाने का, कि स्फिंक्टर कटने का डर, या बाद में पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज्यादा पेन होनी, डिस्कम्फर्ट, उसका अगर कंपैरिजन करो वाफ्ट से तो व्हाट इज योर ओपिनियन, क्योंकि आपने दोनों चीजें देखी? नहीं मेरे को जो अभी तक जो ओपिनियन जो मेरे को मिली काफी जगह से, जो नेट पे भी मैंने सर्च किया कि ओपन सर्जरी हम ज्यादा कराएंगे तो इट्स वेरी डेंजरस, अगर वेफ्ट कराते हैं अगर 10-20 बार भी कराएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ओपन सर्जरी में है, मेरे को जो अभी नेट पे मेरे को जो ओपिनियन बिल्कुल मिली है। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट अगर सोचो कि अगर किसी भी केसेस के अंदर स्फिंक्टर लॉस नहीं होता, बिकॉज जहां पे भी बीमारी है वहां जाके पकड़ के निकाल देते हैं, हाँ। पॉसिबिलिटी रहती है, रिमोट पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी टाइम के ऊपर स्फिंक्टर किसी किसी को हो भी सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर। अगर वो ओपन सर्जरी से कंपेयर करो तो डेफिनेटली हाई चांसेस है, क्योंकि अगर आप डिजीज के उस एरिया में जाके उसको काटते हो हाँ। तो स्फिंक्टर जाने का डर तो रहता ही है। अब हाँ। डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए डॉक्टर करते भी हैं, डेट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट उसमें किसका कंट्रोल जाएगा, किसका बच जाएगा, नॉट नेसेसरली पता चल पाए, कि इन केसेस के अंदर थोड़ा सा काटने के बाद भी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, किसी में पूरा काटते हो तो भी दोबारा से वापस आता है। दोबारा भी आपसे आ सकता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टांस, अगर ऐसी बीमारी जहां पे फिस्टुला बहुत हाई चले गया है, कोई और होप नहीं है, तो उसकी सफाई, उसका ट्रीटमेंट करना तो 100% जरूरी है।
अगर पस को नहीं निकालेंगे डेट कैन स्प्रेड एनीवेयर, उसको निकालने के लिए डीप सीटेड पस निकालने के लिए वाफ्ट जो है एंडोस्कोप इट्स अ वेरी गुड मोडेलिटी, ठीक है ना। अब फर्क सिर्फ इतना ही है, हाँ सम केसेस बिकॉज एक टनल बन के हम जा रहे हैं, हो सकता है कंप्लीट रिकवरी ना हो सकता है रिकरेंस हो, बट एडवांटेज यही है कि चाहे जितनी बार भी करना पड़े ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं डेट इज द ओनली एडवांटेज। सम डिजीजेज आर लाइक डैट जिसके अंदर मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं एंड देन द पेशेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसके अंदर मल्टीपल सर्जरीज होंगी। एनी अदर थिंग यू वांट टू टेल अबाउट दिस? बाकी इसके अंदर एक मेरे को किसी का ट्रीटमेंट पता चला था, मैं गया भी था वहां पर, जो थ्रेड जो आयुर्वेदिक जो यूज करते हैं, तो मैं गया था उसके अंदर प्रोसीजर था, फिर कुछ बिहेव सही नहीं लगा, फिर मैं वापसी आ गया था। पर थ्रेड के की एडवांटेज अगर आप समझो कि थ्रेड के एडवांटेज उन केसेस में है जहां इट इज कनेक्टेड इनसाइड विद सम ओपनिंग, वी आल्सो यूज थ्रेड्स, ऐसा नहीं है कि हम थ्रेड नहीं यूज करते, पर जहां इंटरनल ओपनिंग है वहां तो हम थ्रेड यूज कर सकते हैं, जहां इंटरनल ओपनिंग है ही नहीं वहां कैसे एक अननेसेसरी न्यू ओपनिंग। नहीं बोला था कि हम निडल मारना चाहें जब मर्जी मार सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए और डेंजरस हो जाएगा, डबल वो रिस्क फैक्टर बढ़ गया। दिस इज वेरी क्लियर, आपका एक डीप सीटेड एब्सेस है जिसने फिस्टुला बना के रखा हुआ है, अगर अंदर हमको ओपनिंग मिल रही है इट्स वेरी गुड, और या अगर डीप सीटेड ओपनिंग है भी है जो छुपी हुई है विच इज नॉट विजिबल, तो हम उसको तो ट्रीट करा ही नहीं, अगर हमको मिला ही नहीं वो तो उसको छोड़ के आप किसी और जगह पे थ्रेड अगर डाल देते हैं डेट इज क्रिएटिंग अनदर अनदर थिंग, ठीक है, आपकी सफरिंग्स भी प्रोलॉन्ग करने वाली बात है, वो इतनी डीप कहीं से भी हम जहां से थ्रेड निकालेंगे वो धीरे धीरे जब तक कट के आएगा डेट थ्रेड ट्रीटमेंट इज पेनफुल, ऐसा तो है नहीं पेन फ्री तो है नहीं, वो अंदर कटिंग कर रहा है एंड डेट्स अ स्लो कटिंग, तो थ्रेड पड़ा रहता है अंदर ही, अंदर ही थ्रेड पड़ा रहता है, स्लोली स्लोली उसको टाइट करते हैं और धीरे धीरे उसको काटते हैं, ठीक है। उससे भी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि उन इन विद द थ्रेड आल्सो दे हैड दिस मसल कटिंग एंड दे हैड इनकॉन्टिनेंस जिसमें वॉल्व खराब हुआ उनका कॉन्टिनेंस जो कंट्रोल होता है, बट चांसेस अगर हम सीधा कट करें और वो धीरे धीरे कट करें डेफिनेटली कम है उसमें। अच्छा अच्छा थ्रेड में, पर थ्रेड की एडवांटेज मैं भी यूज हम भी यूज करते हैं थ्रेड जहां सेटून बोलते हैं हम इसको साइंटिफिकली, अच्छा तो वो उस केसेस में यूज करते हैं जहां इंटरनल ओपनिंग बहुत हाई है, वाफ्ट कर लिया एक बार कर लिया दो बार कर लिया डेट ओपनिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, कटिंग हम उसकी कर नहीं सकते, देन वी कैन पुट ए थ्रेड। अच्छा बट तो थ्रेड को धीरे धीरे बंद करते हैं, हाँ वो धीरे धीरे कटता है, रोज रोज वो काटता है, पेनफुल होता है समटाइम्स, वो थ्रेड बदलते बदलते ऐसे भी पेशेंट है जो 20-20 बार थ्रेड बदलाते हैं, केसेस के अंदर अंदर ओपनिंग मिली ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द इंटरनल ओपनिंग, अब इंटरनल ओपनिंग है नहीं है, आपने अपना वो डाला सुई डाल के या जैसे भी डालते हैं थ्रेड को, ठीक है, अननेसेसरी मतलब बिना देखे, रीजन क्या है, दैट इज जस्ट आइडिया, यू आर नॉट सीइंग इट, यू कैन एंटर राइट ट्रैक इफ यू आर लकी, यू विल एंटर उसी ओपनिंग में, जहां पे अगर आप अंदर है नहीं है देख भी नहीं रहे विदाउट विजन यू आर डूइंग इट ब्लाइंडली, और हर पेशेंट में अलग ट्रैक्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पेशेंट देखा जैसा एक है वैसा ही दूसरे में होगा और तीसरे में, किसी में 3 o'clock है किसी में 9 o'clock है 6 o'clock है, डिफरेंट 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 है। मैं समझ रहा हूँ, एक दीवार मतलब एक रास्ता बंद है उसको जरूरत थी आप खोल के, बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पर एक मतलब जो चीज बंद है उसके अंदर जरूरत थी एक छेद करके बनाना, वो तो ठीक नहीं है ना, मतलब ये कि उसको रिपेयर करना ज्यादा बेटर है, डेफिनेटली इफ पॉसिबल रिपेयर इज पॉसिबल वी गो फॉर रिपेयर, इफ इट इज नॉट पॉसिबल इट सीम्स कि रिपेयर इज नॉट हेल्पिंग अस वी हैव टू सारा का सारा काट के दोबारा नया टिश्यू आने देना होता है, अगर वो किस केस में जहां पे इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा टिश्यू काट सके हम, इन दैट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू पुट अ सेटून और थ्रेड, जो भी शारसूत्र बोल रहे हो आप लेके चल रहे हैं कि एक मॉडेलिटी है विच इज लेस पेनफुल मोर इफेक्टिव एंड लेस रिस्क ऑफ ट्रामा टू द अदर एरियाज, तो वी शुड यूज इट।